हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं सारी चढ़ती कला के हो तो अज अपना नैक्सट टॉपिक असी बायनोमियल थ्योरम के उपर ही लैके आए हैं। अज के लैक्चर के असी की पढ़ांगे वो वेखांगे। क्वेश्चनस ऑन आर्थ टर्म ते एंथ टर्म। आर्थ टर्म असी इस तो पहला वाली वीडियो दे विच पढ़ चुके हैं। अगर तुसी डायरैक्ट इस वीडियो ते आए हो तो तुहानूं थोड़ा जिहा समझण दे विच डिफिकल्टी आएगी। इस करके तुसी इस तो लैक्चर वन है जो पहला वाली वीडियो वो जरूर देख के आनी है, ठीक है। उस तो बाद ही ये वीडियो वेखनी है, ठीक है। क्योंकि ये उहदे नाल ही रिलेटड है। उहदे विच असां ने आर्थ टर्म जां एंथ टर्म बारे डिस्कस करिया सी ते उहदे बेसिस ते क्वेश्चन आउंदे हुंदे आ, है ना। तुहानूं कह दित्ता जांदा हुंदा बाइनोमियल दे विच 10वीं टर्म पता करो, 12th टर्म पता करो, 9th टर्म पता करो, कोई भी नंबर दे के तुहानूं कह दित्ता जांदा वी 9वीं टर्म पता करो, ठीक है। वह किदां फाइंड करनी असीं उहदे बारे गल करांगे ते एक इंपोर्टेंट रिजल्ट बारे गल करांगे, ठीक है। जो असीं अगर साढ़े पहला इत्थे करे होणगे तां सानूं पेपर के बैठ के सॉल्व करने की लड़ नहीं पैनी हैगी, असी आराम दे नाल आसानी दे नाल टिक कर सकते हैं। एक मल्टीनोमियल बारे गल करांगे, असी बाइनोमियल की गल चंगे तरीके नाल कर चुके हैं, मल्टीनोमियल की हुंदी है उहदे बारे भी गल करांगे। आओ असी अज दे पहला फस्ट टॉपिक बनी वधदे हां, क्वेश्चनस और ऑन आर्थ और एंथ टर्म दे, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, असी पढ़ चुके हैं पहला, तुहानूं मैंने पढ़ाया सी वी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन होवे, मान लो, ठीक है। असी इहनूं खोल लैंदे हुंदे आ, किद्दां खोल लैंदे हुंदे आ, एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन वाई रेज टू पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन वाई रेज टू पावर वन प्लस एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू वाई रेज टू पावर टू, ठीक है। इदां ही आ जाणा तुहाडे कोले इत्थे किते जाके एन सी आर, एन सी आर ते एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, ठीक है। इदां ही चलदे आपां ते एन सी एन एक्स रेज टू पावर जीरो वाई रेज टू पावर एन। लास्ट टाइम असी इन्ना करिया सी, है ना। तो इहनूं असी की लिखिया सी, ठीक है। जिवें कि वेखो अपने कोले आर इत्थे आर वेरी करदा पिया, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आर ते एन, ठीक है। हुण आ वाली है इहनूं असी की नाम दित्ता, टी वन फस्ट टर्म है टी वन, ठीक है। ये टी टू, ये टी थ्री, टी थ्री ते टी, ये वेखने की आऊगी, है ना। टी वन जो जीरो आर जीरो आ, आर जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन इथे इक्वल टू वन प्लस वन इथे इज इक्वल टू टू प्लस वन। सिमिलरली इतों असी जजमेंट करनी है, आर जीरो सी जीरो प्लस वन, आर वन सी वन प्लस वन, आर टू सी टू प्लस वन, आर आर है तो आर प्लस वन, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हें लास्ट टाइम ड्राइव करवा दी सी, मतलब कि टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, यह होंगी है साढ़े को आर्थ टर्म, ठीक है। हुण तुहानूं क्वेश्चन किदां दा आ जांदा, क्वेश्चन इदां दा आ जांदा, मान लो तुहानूं कह दिता जी टू एक्स प्लस वन बाई एक्स रेज टू पावर ट्वेल्व, लो ठीक है। ये तुहानूं बाइनोमियल दित्ती हुई है, कहिंदा जी फाइंड करो तुसी नाइन्थ टर्म, फाइंड करो नाइन्थ टर्म की होएगी, ठीक है। अहीं फिर इदां नहीं करन लगांगे, इहनूं बाइनोमियल नूं खोलन नहीं लगांगे, ठीक है। इदां भी बाइनोमियल खोली फिर असीं गिनांगे पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं जिहड़े नौवें नंबर ते आऊगे असीं ओह फाइंड कर लांगे, नहीं गलत हो जू कम, गलत नहीं हुंदा हैगा, इस कम तां सही हो जू बट टाइम खराब हो जाणा अपना, ठीक है। ठीक है, अहीं की करांगे, असीं सीधा फार्मूला लावांगे, साडे कोल फार्मूला हैगा इह, अहीं नौवीं टर्म फाइंड करनी है, टी आर फाइंड करनी है, टी नाइन फाइंड करनी है, मतलब कि टी नाइन, ठीक है। नाइन असी किदां तोड़ांगे, एट प्लस वन, ठीक है। जदों एट प्लस वन, टी एट प्लस वन नूं टी आर प्लस वन नाल कंपेयर करांगे तां आर किन्ना आ गया साढ़े कोले, एट आ गया, ठीक है। हुण आर दी एट वैल्यू भर देनी है असां ने, एन साढ़े कोले की है इत्थे, एन इज इक्वल टू ट्वेल्व आ, हाँ जिहड़ी बाइनोमियल दी पावर हुंदी आ उहनूं असी एन कहिंदे हुंदे आ, ठीक है। आर एट आ गया, एन ट्वेल्व आ गया, असी इहदे विच वैल्यूज भर दांगे, ट्वेल्व सी एट एक्स रेज टू पावर ट्वेल्व माइनस एट वाई रेज टू पावर एट, ठीक है। इहनूं हल करदे हां असी, ट्वेल्व फैक्टोरियल बाय एट फैक्टोरियल बाय ट्वेल्व माइनस एट, इकला इकला स्टैप तां करदा पियां क्योंकि नवें बच्चे भी होने हैं विच, ठीक है। एक्स रेज टू पावर ट्वेल्व माइनस एट इज़ फोर, वाई रेज टू पावर एट, ठीक है। हुण वेखो इत्थे इहनूं किद्दां खोलांगे, आ ट्वेल्व माइनस एट इज़ की बनजूगा, फोर बनजू, इत्थे लो फोर बन जू, ठीक है। हुण ट्वेल्व
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਏਟ ਏਟ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਏਟ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਏਟ ਤੱਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਏਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਓ 11 10 9 ਅਤੇ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 4 ਫੈਕਟੋਰੀ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ 4 ਇੰਟੂ 3 ਇੰਟੂ 2 ਇੰਟੂ 1 ਐਕਸ ਰੇਜ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ 2 ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ 2x ਜੋ ਐਕਸ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਐਕਸ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2x ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 2x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ 4 ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 4 ਹੋਏਗੀ 2x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 4 8 16 ਹੈ ਨਾ 16 ਐਕਸ ਇਜ਼ ਟੂ 4 ਵਾਈ ਇਜ਼ ਟੂ 8 ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ 4 × 3 12 ਅਤੇ 12 ਗਿਆ 2 ਆ ਪਿਆ ਸਾਡਾ 5 ਗਿਆ 5 ਨਾਲ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ 11 ਬਚ ਗਿਆ 5 ਬਚ ਗਿਆ 8 ਬਚ ਗਿਆ 16 ਬਚ ਗਿਆ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 4 ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 8 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜੂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀ 9ਵੀਂ ਟਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 9th ਟਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਜੋ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਵੇ ਲਓ ਮੰਨ ਲਓ 5th ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਲਓ ਜੀ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ 5th ਟਰਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਓ ਟੀ 5th ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੀ 5th ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਾਂਗੇ 4+1 ਆਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਸ ਭਰਾਂਗੇ ਐਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਓ ਆ 12 ਸੀ 4 2x raised to power 12 ਮਾਈਨਸ 4 ਐਂਡ ਵਾਈ ਰੇਜ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਵੀ 1/x ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ 1/x ਠੀਕ ਹੈ 1/x ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਪਾਵਰ 8 ਆ ਇੱਥੇ 4 ਪਈ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੇਠਾਂ ਪਾਵਰ ਇਕੱਲੀ 1/x ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਐਕਸ ਰੇਜ ਟੂ 4 ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਵਾਈ ਇਜ਼ 1/x 1/x ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਅਸੀਂ 12 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 12 ਮਾਈਨਸ 4 ਇਜ਼ 8 ਅਤੇ 2x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 8 1/x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 12 ਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ 12 × 11 × 10 × 9 × 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਬਾਏ 4 × 3 × 2 × 1 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 8 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 256 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ 8 ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਆ 1/x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਆ ਜੂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਕੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਆ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 × 3 = 12 ਇਹ ਪਿਆ 5 × 2 = 10 ਇਹ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 5 × 9 × 256 × x^4 ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਆ 5th ਟਰਮ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਾਇਨੋਮੀਅਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸੀ ਐਨ ਸੀ 0 ਐਕਸ ਦੀ ਐਨ ਵਾਈ ਦੀ 0 ਪਲੱਸ ਐਨ ਸੀ 1 ਐਕਸ ਦੀ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪਲੱਸ ਐਨ ਸੀ 2 ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਪਾਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 2 ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 ਐਂਡ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਸੀ 3 ਐਕਸ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ ਐਨ ਮਾਈਨਸ 3 ਵਾਈ ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਐਨ ਸੀ 4
x रेज पावर n माइनस 4, y रेज पावर 4, इदा ही चल देंगे एन सी एन x रेज पावर n माइनस 4, सॉरी n, n माइनस n इज 0, y रेज पावर माइनस द n, ठीक है। डिपेंड करता हूँ n इवन आँदी है कि ऑड आँदी है, वो हिसाब न लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव नैगेटिव आ जूगी, ठीक है। हुण मैं तुहानू पता ही आ सारे बच्चों भी ये कोई भी एक्सपेंशन होंगी वो पावर एन हो किनिया टर्म्स होन प्लस वन टर्म्स हो, ठीक है, एक टर्म वो नालों प्लस होंगी है। बट मैं तुम्हें आखा भी ये नैगेटिव टर्म्स किनिया हो, तुम आखा मैं भी कोई एक्सपेंशन आ एक्स माइनस वाई रेज टू पावर फाइव है, वो पॉजिटिव टर्म्स किनिया हो, जां तो मैं तुहानू आखा कोई एक्सपेंशन आ टू एक्स माइनस फाइव सैवन वाई रेज टू पावर 20 है, वो नैगेटिव टर्म्स किनिया होनगियां, ठीक है। असी वो चीज़ बनी नूं वधांगे नैगेटिव टर्म्स या पॉजिटिव टर्म्स, जो नैगेटिव वाली बाइनोमियल होंदी है तो उहदे विच किदां फाइंड करदे हुंदे आ। असी इंडक्शन मैथड नाल चलदे आ, पहलां असी छोटे लैवल तो असी जनरल वन्नी नूं वधांगे, ठीक है। असी छोटे लैवल तो जनरल वन्नी नूं वधदे आ। मान लो साडे कोल इदां एक्स माइनस y raised to power 1 is equal to x minus y, ठीक है भी, x minus y raised to power 2 is equal to x square minus 2xy plus y square, ते x minus y raised to power 3 is equal to x cube minus 3x square y प्लस 3xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 4x क्यूब y प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4xy क्यूब प्लस y रेज टू पावर 4, ठीक है भी। हुण इस तो बाद अगे होर कर लेने हैं, फिफ फाइव तक लिख लेने हैं, उस तो बाद तुहानू पता लगन लग जाना एक्स रेज पावर 5 माइनस 5 एक्स रेज पावर 4 वाई प्लस 10 एक्स रेज पावर 3 वाई स्क्वायर माइनस 10 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी क्यूब प्लस 5 एक्स वाई रेज टू 4 प्लस वाई रेज टू 5, ठीक है भाई। ये साडा इदा ही असी कर दे गए, हुण वेखो साडे कोले पावर किन्नी सी 1 सी, टर्म्स किनिया आईयां 2 टर्म्स आईयां, 2 टर्म्स तो 2 टर्म्स दे विचों इतों लिखते हैं आए कंपेरिजन करा, 2 टर्म्स आईया, दैन साढ़े को नैगेटिव टर्म्स कि आई 1 आई, टोटल टर्म्स नैगेटिव टर्म्स, ठीक है। हूँ पावर 2 से साढ़े को टर्म्स कि आईया सी 1, 2, 3 टर्म्स आई थी, तो नैगेटिव टर्म्स कि आई अकॉर्डिंग 1 आई, लो ठीक है। उस तो बाद साढ़े को पावर 3 से टर्म्स 4 आई, 4 टर्म्स के जो 4 टर्म्स दियाँ नैगेटिव कि आई साढ़े को 1 ते 2, उस तो बाद फिर पावर 4 होगी टर्म्स 5 आ गई, नैगेटिव कि आई 1 ते 2, पावर 5 होगी साढ़े को टर्म्स 6 आ गई, नैगेटिव कि आई 1 2, इतने आ वाली नैगेटिव आएगी 3, ठीक है। इदा ही चलते गए, इदा ही चलते जावे, है ना, पावर 7 आ जानी अपने को टर्म्स 3 आनगियाँ, पावर 8 आ जानी टर्म्स 4 आनगियाँ, साढ़े को पावर 9 आ जानी टर्म्स नैगेटिव 4 आनगियाँ, टर्म 10 आ जानी नैगेटिव टर्म्स साढ़े को 5 आनगियाँ, इदा ही चलते जावे, ठीक है। हुण असी इस तो एक रिलेशन कढ़ांगे भी किसी बाइनोमियल की एक्सपेंशन से नैगेटिव टर्म्स किनिया आउंदियां ने, पॉजिटिव टर्म्स किनिया आउंदियां ने, ठीक है। हुण वेखो जदों साढ़े को 2 टर्म्स दियाँ, ठीक है, टर्म्स किनिया दियाँ 2 दियाँ, मतलब कि ईवन दियाँ, उन्होंने 2 नूं जदों डिवाइड करिया विच इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, ठीक है, टर्म्स नूं 2 नाल डिवाइड कर दिता सीधा साढ़े को टर्म्स आ गई, जदों ऑड है साढ़े को
ऑड दे विच तां 3 दे विचों एक घटाइए तो 2 नाल डिवाइड कर दिए लो जी उन्नी आउंदियां ने ठीक है 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 3 माइनस 1 इज 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1 ठीक है 4 नूं असीं सीधे डिवाइड करांगे साडे कोल 2 आ जाना 5 दे विचों एक माइनस करिए 4 आ जांदा 4 नूं जदों 2 नाल डिवाइड करांगे 2 आ जांदियां ने 6 नूं असीं 3 2 नाल डिवाइड करो 3 आउंदियां ने 7 दे विचों एक माइनस करो फिर 2 नाल डिवाइड करो 3 आ जांदा 4 नूं फिर डिवाइड करो 2 आ 4 आ जांदा सॉरी 8 नूं डिवाइड करो 4 आ जांदा 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਟਰਮਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਔਡ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰਮਸ ਈਵਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਉਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ठीक है ये तुम्हें मैंने खोल के तां दिखाया क्योंकि इहदियां तां असीं टर्म्स सारियां लिख नहीं सकते तो गिण नहीं सकते हैगे है ना हुण वेखो क्योंकि एन सानूं नहीं पता किन्नी आ असीं लिखी जावांगे नहीं मुकनी हैगी चली जानी है ना इस करके मैंने आ थोड़ा जिहा तुहानूं इंडक्शन मैथड राही समझा रहा मैं तुहानूं असीं फाइनल रिजल्ट इहदा कढ़ना चाहुंदे आ ठीक है हुण मुकदी गल रिजल्ट इह निकलिया जे टर्म्स ऑड आउंदियां ने तां एक माइनस करन तों बाद 2 नाल डिवाइड कर दो जे टर्म्स ईवन आउंदियां ने तां सीधा डिवाइड कर दो उन्ने नंबर ऑफ टर्म्स अपनियां नैगेटिव होणगियां जिन्ना उहदा आंसर आऊगा ठीक है हुण देखो आह वाली अपने कोल एक्सपेंसन है इहदा साडे कोल नंबर ऑफ टर्म्स किन्नियां आउणगियां इहदियां जो एक्सपेंसन नंबर ऑफ टर्म्स इहदियां एन प्लस 1 आउणगियां लो जी सारे नूं पता ठीक है क्योंकि पावर एन जिन्नी पावर होंदी आ उहदियां नंबर ऑफ टर्म्स उदों एक प्लस आउंदियां होंदियां ने है ना हुण देखो अहीं जे इह ईवन आ जे ईवन आ दैन एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज ईक्ल टू नंबर ऑफ नैगेटिव टर्म्स नैगेटिव टर्म्स ठीक है अगर यह ऑड आ ऑड तां एन प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इज ईक्ल टू नंबर ऑफ नैगेटिव टर्म्स ठीक है उम्मीद करदा तुसीं समझ गए होणे हो ये तो हो गया एक बेसिक मैथड है ना कह लो एक इहदे नाल होर तरीका भी हैगा किदां दा तरीका जी जिन्नियां नंबर ऑफ टर्म्स ने उहनां नूं डिवाइड कर लो 2 नाल जिन्नियां नंबर ऑफ टर्म्स ने उहनां नूं डिवाइड कर लो 2 नाल ठीक है ओदा फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लो हुण पहला मैं थोड़ा जिहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बारे समझाता तुहानू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इहनू इदां एक्स दे आले दुआले इदां स्क्वेयर ब्रैकेट जी पई होवे इसनू आपां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहिंदे हुंदे आ ठीक है इहदा कम की हुंदा मान लो तुहाडे कोले 2.3 आ गया ते इहदे आले दुआले स्क्वेयर ब्रैकेट जी लगी हुई आ तां इहदा आंसर किन्ना आऊगा 2 आऊगा कोई कहते 2.7 आ गया ये आले दुआले ब्रैकेट लगी हुई है तो 2 आएगा कितने 5.1 आ गया तो ये आले दुआले कि ब्रैकेट लगी हुई है जी ये वाली तो 5 आ जाऊगा कितने 5.9 आ गया ये आले दुआले ये ब्रैकेट लगी हुई है आंसर 5 आ जाऊगा पार जो है सानू छड्ड देना जो साडा अपना पूरा इंटीजर हैगा उसनू असी रख लेना ठीक है हुण उही चीज़ असी इत्थे अपलाई करके वेखदे आ आइयो आ सारे ते अपलाई करके वेखदे आ ठीक है इत्थों ही अपलाई करदे आ 2 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ 2 ਬਾਈ 2 ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ 1 2 ਬਾਈ 2 ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਫ 1 ਇਜ਼ 1 3 ਬਾਈ ਹੁਣ 3 ਬਾਈ 2 ਬਾਈ 2 ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ 1.5 1.5 ਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ 1 ਠੀਕ ਹੈ 4 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਈਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਤਾਂ 2 ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ 2 ਐਂਡ 5 ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 2.5 ਆ ਜੂਗਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 2.5 ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਇਜ਼ 2 ਠੀਕ ਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਦਾ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ ਜੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮਸ ਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਬਾਏ 2 ਕੀ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮਸ ਠੀਕ ਹੈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਜ਼ ਜੀ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਪਲੱਸ 1 ਬਾਏ 2 ਦਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ
हूँ वेखते हैं थोड़ा जहा एक होर रिजल्ट बनी बदांगे ठीक है। ये तो अपने को एक्सपेंशन हैगी एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन की। मैं हूँ एक्सपेंशन लिखन जा रहा एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन ठीक है। वो एक्सपेंशन एन सी जीरो एक्स रेज पावर एन वाई रेज पावर जीरो प्लस एन सी वन एक्स रेज पावर एन माइनस वन वाई रेज पावर वन प्लस एन सी टू एक्स रेज पावर एन माइनस टू वाई रेज पावर टू प्लस एन सी थ्री एक्स रेज पावर एन माइनस थ्री वाई रेज पावर थ्री प्लस एन सी फोर एक्स रेज पावर एन माइनस फोर वाई रेज पावर फोर एन सी एन एक्स रेज पावर जीरो वाई रेज पावर एन। कहिंदा जे इन्हां नूं प्लस कर दिए फिर की बनूगा, फिर कितनियां नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएंगियां, जां इन्हां नूं सबट्रैक्ट कर दिए तां इहदियां कितनियां ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स रह जाएंगियां ठीक है। इदां दा क्वेश्चन बनदा हुंदा। मान लो तुहानूं कह दित्ता वी एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन, तां साडे कोल कोई एक्सपेंशन आ दैन नंबर ऑफ टर्म्स पता करो। हुण तुसां इहनूं खोलण नहीं बह जाणा हैगा कि इहनूं खोलो फिर है ना इहनूं खोलो उस तों बाद इहनां दी कैंसल आउट करो फिर उस तों बाद टर्म्स गिनो, सारा पेपर दा टाइम तुहाडा इहदे विच लंघ जाणा ठीक है। हुण जो असीं 2 मिनट पहला ही कंसैप्चुअल नॉलेज कर चुके हैं वो असीं इहदे ते अप्लाई करनी है ठीक है। हुण देखो जो फस्ट वाली सीगी फस्ट वाली एक्स माइनस वाई वाली आ उहदे विच नंबर ऑफ टर्म्स नैगेटिव टर्म्स किन्नियां आतियां। देखो असीं अगर असीं उंज वेखीए इहनूं बाहरों तां साडे कोल आ एन सी जीरो एन सी जीरो एक्स एन वाई रेज़ फॉर एन सेम टर्म ने ठीक है। आ भी सेम टर्म आ, इहदे विच नैगेटिव ते पॉजिटिव दा फर्क आ, सेम टर्म सेम। इहनां दोनों नूं जदों प्लस करांगे साडे कोल आ दोनों प्लस हो जाणियां ने, इह दोनों कैंसल आउट हो जाणियां ने, प्लस कैंसल आउट प्लस कैंसल आउट प्लस कैंसल आउट प्लस कैंसल आउट, एक टर्म प्लस हो जाएगी दूजी टर्म कैंसल आउट हो जानी है ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट पोजिशनस के उपर माइनस आ रही है ठीक है। हुण वेखो टर्म्स कैंसल आउट कि होगियां, सानू पता टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन ने, हुण टर्म्स कैंसल कि हो रही ने, नैगेटिव टर्म्स हो रही ने ठीक है। भी कहने का भाव यह आ भी नैगेटिव टर्म्स ने जो कैंसल आउट हो जाएगियां, बचनगियां कि पॉजिटिव पॉजिटिव ठीक है। पॉजिटिव जो 2 टर्म्स बचनगियां आ वाली ये दोनों आपस के हो जाएगियां प्लस हो जाएगियां ठीक है। तो हुण अहीं वेखांगे साढ़े कोले टोटल नंबर ऑफ नैगेटिव टर्म्स किनियां ने, नैगेटिव टर्म्स नंबर ऑफ नैगेटिव टर्म्स वो असीं करके हुए हैं एन प्लस वन बाय टू द फैक्टोरीयल, सॉरी फैक्टोरीयल नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक है। हुण इहदे विच सारियां दी सारियां नैगेटिव टर्म्स कैंसल आउट हो जाणियां ने ठीक है। तो बचनियां कीड़ियां ने साढ़े कोले, साढ़े कोले पॉजिटिव पॉजिटिव भी ही बचनगियां, आ वाली एक आ बचेगी एक ए बचेगी तो ए बचेगी ठीक है। इदां ही लास्ट वाली हुण डिपेंड करती है एन ते है ना, एन पॉजिटिव सॉरी ईवन है जां ऑड है ठीक है, इदां बचनगियां। ये हुण बचनगियां किन्नियां ये हुण तुसीं इदां नहीं सोच लेना हैगा वी का पई है का पई है तो इदां है ना, ये डबल हो जाणियां ने, डबल नहीं होणियां, एक दूसरे दे विच प्लस हो जाणियां ने, यह एक ही काउंट होएगी ठीक है। ये बचनगियां साढ़े कोल टोटल किन्नियां ने, साढ़े कोल एन प्लस वन ने, कैंसल आउट किन्नियां होणगियां इन्नियां साढ़े कोल एन प्लस वन बाय टू द ग्रेटैसट इंटीजर, जिहड़े नंबर ऑफ टर्म्स विद पॉजिटिव साइन या पॉजिटिव साइन भी कह लिए ठीक है। ये बचनगियां हूँ साढ़े को नंबर ऑफ टर्म्स एक्स माइनस वाई रेज पावर एन प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन ठीक है। हूँ कई बार इदा भी कर दिता, वह कई बार कहता जी एक्स प्लस वाई रेज टू पावर एन माइनस एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन, तो ये रेज टू ये अपने को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, दोनों माइनस करता ये यू माइनस कर दिता ठीक है। हुण आ जो हैगियां ने टर्म्स ने आना की होणगियां, ये सारिया प्लस दियां बन जाणगियां, इहदी प्लस दी बन जूगी ठीक है, जदों प्लस दी बन गई ऐड हो जूगी, आह वाली जदों नैगेटिव बन जाणी है ये दोनों कैंसल आउट हो जाणगियां ठीक है। अपने कोल आ भी प्लस दी बन जू, आह भी प्लस दी बन जू, ये दोनों ऐड हो जाणगियां। हुण कहण दा भाव ये आ जिहड़े नैगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स ने ना वो बचणगियां, जिहड़ियां पॉजिटिव वालियां ने वो कैंसल आउट हो जाणगियां, क्योंकि जदों इहदे नैगेटिव लगेगा कैंसल आउट हो जू। तो नैगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स किन्नियां ने साडे कोल एन प्लस वन बाय टू ठीक है, इन्नियां अपने कोल इहदे विच नंबर ऑफ टर्म्स होणगियां ठीक है। हुण देखो सम किदां दा आऊगा तुहानूं है ना, मान लो तुहानूं कह दित्ता एक्स माइनस वाई रेज टू पावर फाइव, इहदे विच नैगेटिव नंबर ऑफ टर्म्स पता करो, तुसीं की करोगे जी फाइव प्लस वन डिवाइडड बाय टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ ईक्ल टू सिक्स बाय टू इज़ ईक्ल टू थ्री ठीक है। कहिंदे जी पॉजिटिव भी फाइंड कर लो नाल दी नाल, पॉजिटिव भी वो आख्या सी, असां ने की आख्या सी भी जिन्नियां टोटल ने एन प्लस वन दे विचों ग्रेटेस्ट इंटीजर वालियां मतलब कि नैगेटिव माइनस कर दो, टोटल किन्नियां ने साढ़े कोल सिक्स ने, तो साढ़े कोल माइनस हो गई तो साढ़े कोल थ्री आ गई ठीक है। इदां दे सम तुहानूं आ सकते हैं।
सिमिलरली आइयो चीज़ असाने इन्हें भी अप्लाई कर देनी है एक्स माइनस वाई रेस्ट पावर एन प्लस एक्स रेस एक्स प्लस वाई रेस्ट पावर एन। ठीक है, तो सू ने अपना कंसैप्चुअल नॉलेज है जो आना उन्होंने स्ट्रोंग करना, तो सू ने रोट मेमोराइज नहीं करना, कंसैप्ट समझने की कोशिश करनी है, विच वड़ना वे। ठीक है, भी हाँ कहना की चाहता। ठीक है, उस तो बाद गल करते हैं मल्टीनोमियल की। ठीक है, साढ़े को टू नंबर सी असी उन्होंने आख दिता सी बाइनोमियल। जो साढ़े को मल्टी नंबर होंगे उन्होंने असी आखांगे मल्टीनोमियल, कुछ भी औखा नहीं है। ठीक है, हुण इहदे विच क्वेश्चन की आउंदा हुंदा, क्वेश्चन तां इहदे विच एक तरह दी बनता नंबर ऑफ टर्म्स इन द मल्टीनोमियल। आ साढ़े कोल मल्टीनोमियल दित्ती हुई आ, इहदे नंबर ऑफ टर्म्स ने, उहदा मैं डायरैक्ट तुहानूं रिजल्ट लिखावांगा, उह की हुंदा नंबर ऑफ टर्म्स इन मल्टीनोमियल एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। ठीक है, जिथे तक जिन्निया जिन्नी साड़ी कोल पावर है वह प्लस जिन्ने साड़े कोल नंबर ने, ठीक है, प्लस माइनस वन कर देना सी के माइनस वन कर देना। ठीक है, मान लो साड़े कोल हुण इदां लो जी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी रेज टू पावर टू। ठीक है, इहदे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो, तुहानूं आख दिता, तुसीं हुण इहनूं खोलण तां नहीं बैठोगे, तुहानूं आ पढ़ाया होया तुसीं सीधा अप्लाई करोगे। ठीक है, किदां नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, ठीक है, एन किन्ना साढ़े कोल टू प्लस के किन्ना साढ़े कोल वन टू थ्री फोर माइनस वन सी के किन्ना फोर माइनस वन। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू टू प्लस फोर इज सिक्स माइनस वन इज़ फाइव फाइव सी थ्री विच इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल फाइव बाय फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल टू विच इज़ इक्वल टू फाइव फोर फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन। फैक्टोरियल थ्री नाल फैक्टोरियल थ्री कैंसल आउट हो गया। ठीक है, टू नाल साडा फोर गया तो साढ़े को टेन आ गया। नंबर ऑफ टर्म्स किनिया होनगियां टेन होनगियां। ठीक है, मल्टीनोमियल का भी क्वेश्चन आ जाता हों कंपीटेटिव एग्जाम के वास्ते है, तो उम्मीद करदा भी हो सकता प्लस वन वाले ना आवे, है ना, चांसिस उन्होंने लिए थोड़े आ। क्लास किदां दी लगी ये फीडबैक कमेंट सैक्शन के जरूर देना। धन्यवाद।